हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है हनी बेजर के ऊपर, जिसे बिज्जू कहते हैं। हनी बेजर मेलिवोरा कैपेंसिस, जिसे रेटेल के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला एक मैमल है। इसे IUCN रेड लिस्ट में कम से कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और ये मस्टीलिडे फैमिली का मेंबर है और मेलिवोरा जीनस का में आता है और बायनोमियल नेम इसका मेलिवोरा कैपेंसिस है। अपने नाम के बावजूद हनी बेजर अन्य बेजर प्रजातियों से बहुत मिलता जुलता नहीं है। इसके बजाय इसमें नेवलों के साथ अधिक शारीरिक समानताएं होती हैं और मुख्य रूप से ये कार्निवोर स्पीशीज है और इसकी मोटी त्वचा, ताकत और क्रूर रक्षात्मक क्षमताओं के कारण इसके कुछ प्राकृतिक शिकारी भी हैं। 2005 तक 12 उपप्रजातियों को, सब स्पीशीज को मान्यता दी गई है और इसकी स्कल को आप देख सकते हैं और स्केलेटन, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि लैपर्ड ने एक छोटे हनी बेजर को पकड़ लिया है और दूसरा हनी बेजर उसको बचाने के लिए आ रहा है। ये लैपर्ड से भी भिड़ जाते हैं और इनका शरीर काफ़ी लंबा होता है और इनकी स्किन काफ़ी लूज होती है और इनका सिर छोटा होता है, सपाट होता है और इसका मजल छोटा होता है। और आप देख सकते हैं ये हनी बेजर अपने साथी को बचाने के लिए कितनी तेज़ दौड़ भी लगा लेते हैं। और इनकी आंखें छोटी होती हैं, हनी बेजर के पैर छोटे और मजबूत होते हैं और प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती हैं। और ये अपने से बड़े एनिमल पर भी एकदम से अटैक करके उसको चौंका सकते हैं। इनके पैर बहुत मजबूत पंजों से लैस होते हैं, जो पिछले पैरों पर छोटे और आगे के पैरों पर सिग्निफिकेंटली लंबे होते हैं। और आप देख सकते हैं लेपर्ड को मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। अब 3 लेपर्ड एक दूसरे हनी बेजर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हनी बेजर भी लड़ाई में पीछे नहीं है और इनको खदेड़ देता है। और इसके तलवे मोटे, गद्देदार और कलाइयों तक होते हैं और पूंछ इसकी छोटी होती है और बेस के नीचे को छोड़कर लंबे बालों से ढकी हुई होती है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटा सा हनी बेजर 3 लेपर्ड का किस तरह से सामना कर रहा है और उनको हरा भी रहा है। हनी बेजर अफ्रीका का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला टेरेस्ट्रियल मस्टीलिडे परिवार का एक मेंबर है, अर्थात मस्टीलिड है। और इसकी 12 सब स्पीशीज हैं, जिसमें से एक है केप रेटल, दूसरा है इंडियन रेटल, ये पूर्व सोवियत संघ के बाहर इसकी सीमा में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत में ये पाया जाता है, और तीसरा है नेपाली रेटल और ये नेपाल के दक्षिणी निचले इलाकों में साल के जंगलों में व्यापक रूप से मिलने वाला कार्निवोर एनिमल है और आप इसकी जेब्रा से फाइट को देख सकते हैं, और चौथा है वाइट बैक्ड रेटल और ये पश्चिम अफ्रीका, मोरक्को और कॉन्गो में पाया जाता है। और ये अपने से बड़े एनिमल से भी भिड़ने में बिल्कुल भी नहीं डरता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटे रेटल को बचाने के लिए मदर रेटल किस तरह से जेब्रा से भी भिड़ जाती है। और पांचवा इसका जो सब स्पीशीज है वो ब्लैक रेटल है, ये घाना और नॉर्थ ईस्ट कॉन्गो में पाया जाता है। और इसके अलावा छठा है लेक चैड रेटल, जो सूडान क्षेत्र और सोमालीलैंड में पाया जाता है। सेवेंथ है स्पेकल्ड रेटल, ये सियरा लियोन में पाया जाता है। और आठवीं ऊपर जाती है इथियोपियन रेटल है, जो कि इथियोपिया में पाया जाता है। और आप वीडियो में सिवेट से इसकी भिड़न देख सकते हैं कि सिवेट से किस तरह से ये बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक और प्रजाति है जो साउथ वेस्टर्न ईरान और इराक में पाई जाती है। और दसवीं प्रजाति केन्यन रेटल है, जो केन्या में पाया जाता है। इसकी एक और प्रजाति है जो साउदर्न अरेबिया में पाई जाती है। और इसकी 12वीं प्रजाति तुर्कमेनियन रेटल है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में पाई जाती है। और इसकी शोल्डर तक की ऊंचाई 23 से 28 सेंटीमीटर है और इसकी बॉडी लेंथ 55 से 77 सेंटीमीटर तक होती है, अर्थात ये बहुत छोटा ही एनिमल है। और आप इसका बेजर और रैकून डॉग की फाइट को देख सकते हैं। टेल के साथ इसकी लेंथ 12 से 30 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है और फीमेल मेल से छोटी होती है। हनी बेजर और स्नेक की लड़ाई भी बहुत ज़बरदस्त होती है और अफ्रीका में मेल का वेट 9 से 16 किलोग्राम जबकि फीमेल का 5 से 10 किलोग्राम तक होता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्नेक से बढ़ रहा है।
हनी मेजर के पास एक एनस थैली होती है जो मस्टिलिट्स के बीच में एबनॉर्मल है, और ये लक्षण हाइनाज और नेवले में होते हैं, और इस थैली की गंध कथित तौर पर दम घुटने जैसी होती है और मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करते समय मधुमक्खियों को शांत करने में इसकी मदद करती है। और इसमें दांतों की संख्या 16 होती है। इसका फर लंबा होता है जो पीठ के निचले हिस्से पर 40 से 50 mm तक लंबा होता है, और पॉर्क्यूपाइन से भी ये लड़ लेता है। आप देख सकते हैं पॉर्क्यूपाइन से इसकी भिड़ंत। हनी बेजर अधिकांश उपसहारा अफ्रीका, पश्चिमी केप, दक्षिण अफ्रीका से लेकर दक्षिणी मोरक्को और दक्षिण पश्चिम अल्जीरिया तक, और अफ्रीका के बाहर अरब, ईरान और पश्चिमी एशिया से होते हुए तुर्कमेनिस्तान और भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। और आप वीडियो में देख सकते हैं ये टर्टल को मारकर भी खा जाते हैं। और ये समुद्र तल से मोरक्कन हाई एटलस में 2600 मीटर तक और इथियोपिया के बेल पर्वत में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक फैले हुए माने जाते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से अपने बच्चों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, और कछुए का शिकार इसको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और हनी बेजर ज़्यादातर एकांत में रहता है, लेकिन मई में रिप्रोडक्शन के मौसम के दौरान जोड़े में शिकार करते हुए अफ्रीका में भी देखे गए हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि अपने से बड़े क्रोकोडाइल्स पर भी हमला कर देता है, और आमतौर पर मीडियम या छोटे टाइप के क्रोकोडाइल्स को मारकर खा जाता है। और ये कुशल खुदाई करता है जो 10 मिनट में कठोर जमीन में सुरंग खोदने में माहिर है। इनके बिलों में आमतौर पर केवल एक ही प्रवेश द्वार होता है, और ये आमतौर पर केवल 1 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें एक घोंसला कक्ष अर्थात नेस्ट रूम भी होता है। हनी बेजर अपनी ताकत, क्रूरता और कठोरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और आप वीडियो में वाइल्ड डॉग से इसकी भिड़ंत को देख सकते हैं। ये वाइल्ड डॉग के पैक से भी नहीं डरता है और भिड़ जाता है, और जब बचना असंभव हो तो ये लगभग किसी भी अन्य प्रजाति पर बर्बरतापूर्वक और निडरता से हमला करने के लिए जाना जाता है। कथित तौर पर यह शेर और लकड़बग्घे जैसे बहुत बड़े शिकारियों को भी खदेड़ देता है। मधुमक्खी के डंक, शाही के डंक और जानवरों के काटने का शायद ही कभी उनकी त्वचा पर कोई असर होता है। और आप वाइल्ड डॉग से देख सकते हैं कि ये वाइल्ड डॉग के पैक से भी नहीं डरता है और उनसे भिड़ जाता है। यदि घोड़े, मवेशी या केप भैंस हनी बेजर के बिल के आसपास भी आते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो ये उन पर तुरंत हमला कर देता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक किल को लेकर जयकाल से इसकी भिड़ंत हो रही है। और केप प्रांत में ये अफ्रीकी तेंदुए और अफ्रीकी रॉक अजगर की संभावित शिकार प्रजाति है। और ये अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा बिलों से खोदकर प्राप्त करता है। और ये अक्सर मधुमक्खी के लार्वा और शहद दोनों की तलाश में मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला करता है। और ये कीड़े, मेंढक, कछुए, छिपकली, कृंतक, सांप, पक्षियों और अंडों को भी खाता है, और हाइनाज को देखते ही उन पर ये हमला कर देता है। लेकिन हाइनाज भी इसे घेर लेते हैं और पूरा झुंड से इसकी मांद तक ही छोड़कर आता है। और ये जामुन, जड़ें और प्याज भी खाता है, और सब्जियों की तलाश करते समय यह पत्थर भी उठाता है और पेड़ों की छाल को फाड़ता है। और कभी कभी इसे शेर के शावकों को भी मारकर भगाते हुए भी देखा गया है। यह अपने शिकार के सभी हिस्सों को खा जाता है, जिसमें त्वचा, बाल, पंख, मांस और हड्डियां शामिल हैं, और अपने भोजन को अपने अगले पंजों से दबाए रखता है।
और अध्ययन किए गए हनी बेजर्स ने बड़े पैमाने पर जैकॉज और स्किंक और इसके अलावा जर्बिल्स और चूहों आदि का शिकार किया। और वीडियो पिक में आप जैको स्किंक को देख सकते हैं, इसके अलावा जर्बिल और हाउस माउस को भी देख सकते हैं। कालाहारी में हनी बेजर्स को घरेलू भेड़ बकरियों पर हमला करने के साथ साथ ब्लैक मांबा को भी मारकर खाते हुए भी देखा गया है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कछुए को पहले तो एक ईगल उठाकर ले जाता है और जब उसके पंजे से वो छूट जाता है तो उसे हनी बेजर पकड़ लेता है। और कहा जाता है कि हनी बेजर ने एक बार नामाकारू नामक एक जगह में 10 टर्टल्स की खाल को भी फाड़ दिया था, जबकि 10 टर्टल्स की स्किन बहुत ही मजबूत होती है। कहा जाता है कि भारत में हनी बेजर्स मानव शवों को खोदते हैं और आप इसे कछुए को खाते हुए देख सकते हैं। और लोकप्रिय धारणा के बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हनी गाइड पक्षी हनी बेजर को हनी बी के छत्ते तक रास्ता दिखाते हैं, और आप हनी गाइड पक्षी को पिक्चर्स में देख सकते हैं। हनी बेजर की प्रजनन आदतों के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि इसकी गर्भधारण अवधि 6 महीने तक चलती है, और जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर 2 शावक पैदा होते हैं जो कि अंधे होते हैं और अपने से आकार में बहुत बड़े शेर से भी लड़ने में पीछे नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और जंगल में इसका लाइफ स्पैन 7 ईयर्स है, हालांकि कैप्टिव स्थितियों में हनी बेजर को लगभग 24 वर्षों तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। और कुत्तों का सामना करते समय हनी बेजर भालू के शावकों की तरह चिल्लाते हैं, और आप देख सकते हैं कि हनी बेजर्स लॉयंस के झुंड से किस तरह से भिड़ रहे हैं। और हनी बेजर की आवाज कर्कश क्रैच जैसी साउंड होती है। हनी बेजर अक्सर पोल्ट्री के गंभीर शिकारी बन जाते हैं। उनकी ताकत और दृढ़ता के कारण उन्हें रोकना मुश्किल है। वे मुर्गी घरों से मोटे तख्तों को फाड़ने या पत्थर की नींव के नीचे बिल बनाने के लिए जाने जाते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं एक छोटा सा हनी बेजर किस तरह से कितने सारे शेरों के बीच में अकेले उनका सामना कर रहा है। और सन 2007 में बसरा पर ब्रिटिश कब्जे के दौरान स्थानीय आबादी में आदमखोर बिज्जुओं की अफवाहें सामने आई थी, जिनमें ये आरोप भी शामिल था कि इन जानवरों को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा रिहा कर दिया गया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से नकार दिया। और एक ब्रिटिश सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बिज्जू क्षेत्र के मूल निवासी हैं, हालांकि इराक में दुर्लभ हैं और आमतौर पर उकसाए जाने पर ही मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं। और केन्या में हनी बेजर रेबीज का एक प्रमुख भंडार है। और हनी बेजर्स मेलिवोरा जीनस के एकमात्र प्रजाति है और इनको रेटल्स भी कहा जाता है। और आप इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसका ऑर्डर कार्निवोर है और साइंटिफिक नेम मेलिवोरा कैपेंसिस है। मस्टिलिडी फैमिली के ये मेंबर्स हैं। और ये ड्राई एरियाज ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट में मिलते हैं। जेस्टेशन पीरियड 6 मंथ्स है और इनके प्रीडेटर्स लेपर्ड स्पॉटेड हाइनास पाइथन्स और क्रोकोडाइल्स हैं और डाइट इनकी ओमनीवोर है। और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इनका अननोन है और इनको बिगेस्ट थ्रेट ह्यूमन से है। मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव फीचर लार्ज शार्प क्लॉज हैं इनके, और इनके यंग बच्चे को किट कहा जाता है। और मोस्ट फियरलेस एनिमल हैं ये पृथ्वी पर, और बीज इंसेक्ट स्मॉल एनिमल्स आदि को ये खाते हैं। और लिटर साइज इनका 2 होता है। और डायरनल हैं, क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स हैं, रात्रिचर हैं, नॉक्चर्नल हैं। और इनका लोकेशन अफ्रीका एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और इनका स्लोगन है वन ऑफ द अर्थ ब्रेवेस्ट क्रिएचर्स। और इनकी एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी 1 to 2 ईयर्स होती है। और हनी बेजर आजकल क्रूर प्रतिष्ठा वाले एथलीटों और राजनेताओं के लिए एक सामान्य उपनाम बन गया है। और जंगलों में हनी बेजर लगभग 7 से 8 साल तक जीवित रहते हैं, और आप वाइल्ड डॉग से लड़ते हुए इसे देख सकते हैं। और व्यवहार के संदर्भ में हनी बेजर एक ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही चिड़चिड़े और आक्रामक होते हैं, और ये बहुत ही निडर और मतलबी दोनों होते हैं। और जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता तो इंसानों सहित लगभग किसी भी जानवर पर तुरंत हमला कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए वे जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करते हैं और बेरहमी से दूसरे जानवरों की मादों पर कब्जा कर लेते हैं। हनी बेजर शिकारियों को पीछे हटाने के लिए एक भयानक गंध छोड़ते हैं, और उनकी इस गंध से मधुमक्खियां भी पंगु बन जाती हैं, जिससे हनी बेजर्स के लिए शहद के छत्ते पर हमला करना आसान हो जाता है।
और रेटल्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ये ओमनीवोर्स हैं, और जब वे एनिमल्स को मारते हैं तो फर और पंख सहित पूरे जानवर को खा जाते हैं। और मेनली ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, हनी और हनीवी लार्वा इत्यादि को खाते हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, हनी बैजर्स शहद को पसंद करते हैं और नियमित रूप से अपने पसंदीदा नाश्ते को छीनने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला करते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति नहीं है जो हनी बैजर्स को दुर्जेय और क्रूर शत्रु के रूप में सम्मान देती है, यहाँ तक कि शक्तिशाली शेर भी इन्हें सम्मान देते हैं। ये प्रजाति न केवल स्वभाव से लड़ाकू है बल्कि उनकी शारीरिक विशेषताएं अत्यधिक प्रभावी एक कवच के रूप में भी काम करती हैं। इनके बच्चे अंधे पैदा होते हैं और 2 से 3 महीने तक दूध पीते हैं और लगभग 1 साल तक अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। और हनी बैजर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आक्रामक प्रजातियों में से एक हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के सबसे निर्भर जानवरों के रूप में लिस्टेड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।